दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जोगता अकेडमी चंडीगढ़। आईटीआई मंडी के प्रधानाचार्य शिवेंद्र डोगर ने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में सोमवार को सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर प्लांट के लिए दक्षता ज्ञान टेक कंसल्टिंग कैंपस साक्षात्कार करवाने जा रही है। उन्होंने कहा, इस कैंपस इंटरव्यू में किसी भी आईटीआई से फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टूल एंड डाई, पीपीओ, ऑटोमोबाइल, पेंटर, जर्नल वेल्डर, ट्रेडर्स में सत्र 2016 से 2021 पास आउट ट्रेनर्स तथा फाइनल ईयर ट्रेनर्स जिनकी उम्र 18 से 23 वर्ष है भाग ले सकेंगे। आईटीआई मंडी में 20 जून 2022 को सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुरा प्लांट द्वारा जो है कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। ये कैंपस इंटरव्यू दक्षता ज्ञानटेक कंसल्टेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इसमें मुख्यतः फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, पीपीओ, ऑटोमोबाइल सीओई, पेंटर जनरल और वेल्डर ट्रेड के पास्ड आउट कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें 2018 से लेकर 2021 के बैच के जो भी पास्ड आउट कैंडिडेट हैं, किसी भी आईटीआई के हो, वो यहाँ आईटीआई मंडी में आकर कैंपस इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। और जो कैंडिडेट हमारे 2022 में पास आउट होने वाले हैं, इन ट्रेड से संबंधित कैंडिडेट जो हैं वो भी इस कैंपस इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं, जो कि 20 जून 2022 मंडे को होने जा रहा है। कंपनी द्वारा जो है सीटीसी 20,100 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और अगर किसी बच्चे को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तहत चयन किया जाता है तो उनको 13,925 रुपये कंपनी द्वारा दिए जाएंगे तथा हॉस्टल की फ्री फैसिलिटी जो है वो कंपनी द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा जो है कंपनी द्वारा अन्य सुविधाएं जैसे कि मेडिकल लीव्स, वर्दी, जूते और फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फ्रॉम हॉस्टल टू वर्क प्लांट्स, देन ये सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। कैंडिडेट्स जो हैं कि एज 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो एक सुनहरा अवसर है आईटीआई जो जिन्होंने पास आउट किया है या पास आउट करने जा रहे हैं, यहाँ कैंपस इंटरव्यू में आकर अपीयर हो सकते हैं और इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।